डिफरेंस बताओ वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड फॉरबिडन बैंड में क्या डिफरेंस है? मैंने तो बेसिक बता दिया, वैलेंस बैंड लोअर एनर्जी बैंड है, कंडक्शन बैंड हायर एनर्जी बैंड है, और बीच का बैंड फॉरबिडन एनर्जी गैप है। लेकिन लिखने का कोई तो टेक्निक होती होगी, लिखना कैसे है और लैंग्वेज भी कैसे इसको समझ में आनी चाहिए। इन वैलेंस एनर्जी बैंड, वैलेंस में देयर आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दिस बैंड इज नेवर एम्प्टी। वैलेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन तो होंगे, किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन तो बंधे होंगे। इन दिस बैंड इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट केपेबल ऑफ गेनिंग एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देयर फोर इलेक्ट्रॉन इन दिस बैंड डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रिक करंट। वो कह रहे हैं देखो, अगर मान लो आप ये मानते हो कि आपके पूरे स्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो, तो उसमें इलेक्ट्रॉन मूव होने जरूरी है। भाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के इलेक्ट्रॉन को की मूवमेंट जरूरी है, फ्री इलेक्ट्रॉन का मूव होना जरूरी है। फ्री इलेक्ट्रॉन लाने के लिए तुम्हें किस बैंड में लाना पड़ता है इलेक्ट्रॉन्स को? कंडक्शन बैंड में। और जब तक वो कंडक्शन बैंड में जाएंगे नहीं, वो टूटेंगे नहीं, अपने बॉन्ड को छोड़ेंगे नहीं, और वो फ्री टू मूव होंगे नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। बैठे बैठे बॉन्ड बनाए इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्ट नहीं करते। तो ये बड़ा सिंपल है। सिंपल ये है कि इमेजिन कर लो कि क्लास क्लास नहीं है, ये क्लास एक एटम है, और एटम किसका है? सिलिकॉन का एटम है। सिलिकॉन के एटम में मैं कौन हूँ? मैं न्यूक्लियस हूँ, मैं तुम्हें बांध के रखता हूँ, और तुम कौन हो? तुम इलेक्ट्रॉन्स हो। फिलिंग कंसिस्ट, और ये बेंच नहीं है, ये बेंच नहीं है, एनर्जी के लेवल है। सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल ये है। तो जो स्टूडेंट आएगा सबसे पहले मेरे पास यहाँ बैठेगा, और स्टूडेंट आएंगे एनर्जी लेवल हाई 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 हाई, और सबसे आखिरी स्टूडेंट वहाँ बैठे। और ये पूरा का जो आखिरी, ये पूरा का पूरा जो एंड वाला जो पोर्शन है वो वैलेंस बैंड है, आराम से बैठे हैं। अब इमेजिन करो कि बाहर एक कॉरिडोर है, वो कॉरिडोर में जाने के लिए तुम्हें एनर्जी चाहिए, तुम्हें बाहर से एनर्जी मिलेगी, तुम एक्साइट होगे और तुम भागोगे। कॉरिडोर में कोई नहीं खड़ा हो सकता, फॉरवर्ड एनर्जी गैप में कोई नहीं खड़ा होगा। तो तुम अगर ये क्लास छोड़ गए, या तो तुम्हें बाहर घूमना पड़ेगा मार्केट में जाके, या तुम क्लास में बैठ जाओ। अगर तुम फ्री टू मूव है और तुम घूम सकते हो कहीं पर भी, तो तुम मेरे वैलेंस बैंड में नहीं हो, तुम कंडक्शन बैंड में हो, क्योंकि तुम फ्री टू मूव हो। और जब तक तुम क्लास में बैठे हो, बेंच पे बैठे हो, तो तुम वैलेंस बैंड में हो। तो अभी तुम सब बैठे हो, ये वैलेंस बैंड है, और जो स्टूडेंट नीचे चले गए वो किस बैंड में है? वो कंडक्शन बैंड में है। अब अगर कोई बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करे, वो तुम्हें नहीं हिला सकता, क्योंकि तुम तो बैठे हो, तुम तो फ्री टू मूव हो ही नहीं। लेकिन जो बाहर घूम रहे हैं वो तो बंधे नहीं हुए, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करना शुरू कर देंगे और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर देंगे। इसलिए कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्ट करते हैं, बैठे हुए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि तो बैठे हैं वैलेंस बैंड में, और बैठे बैठे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो नहीं सकती। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले फ्री करवाना पड़ेगा आपको यहाँ से, तुम्हें घूमने के लिए बाहर भेजना पड़ेगा फ्री टू मूव, उसके बाद तुम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करोगे। तो पॉइंट समझ में आ रहा है उसने क्या लिखा? उसने ये लिखा कि ये इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन केपेबल नहीं है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। तो कौन केपेबल है? कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स केपेबल है, बिकॉज दे आर फ्री टू मूव। नेक्स्ट है, कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर रेयरली प्रेजेंट, बड़े कम होते हैं। कोई बहुत ही गुड कंडक्टर है उसमें हो सकते हैं, वैसे खाली होता है। सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होते हैं। ये बैंड या तो खाली है या थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैन गेन एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि फ्री टू मूव है, हल्का सा तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इन्होंने भागना शुरू कर दिया, इसलिए ये इलेक्ट्रिक करंट में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, बैठे हुए इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रिसिटी में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करते। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट है फॉरबिडन एनर्जी गैप, जो बीच का गैप है, जो मैं बोल रहा हूँ ये कॉरिडोर है, यहाँ तो खड़ना अलाउड ही नहीं ना, या तो बैठ जाओ या यहाँ से बाहर निकल जाओ, वहाँ नहीं खड़ना। तो बिल्कुल वैसे ही है, इन फॉरबिडन एनर्जी गैप इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फाउंड इन दिस बैंड, इसमें नहीं इलेक्ट्रॉन होते, दिस बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, तो कम से कम एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी है? इसको बैंड गैप एनर्जी बोलते हैं, अंडरलाइन कर लो, ये बैंड गैप एनर्जी है, और इसका सिंबल क्या है? ई ऑफ जी। तो कम से कम ई जी एनर्जी चाहिए ताकि आप क्या कर सको, इलेक्ट्रॉन को वैलेंस से कंडक्शन में ले जाओ। मतलब अगर आप क्लास में बैठे हो
और मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आखिरी वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नीचे कहीं घूमने जा सकते हैं, उनको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से तुम कॉरिडोर को क्रॉस कर सकते हो। उसके बाद दुनिया में जहाँ मर्जी जाओ, मतलब स्ट्रक्चर में कहाँ मर्जी जाओ हमें मतलब नहीं है, तुम जहाँ मर्जी घूमो स्ट्रक्चर के अंदर यू आर फ्री टू मूव। एक बार क्लास को छोड़ दिया तो मिनिमम एनर्जी आपको यहाँ से उठाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको बैंड गैप एनर्जी बोलते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट है डिफरेंस।